ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं और एकादशी बहुत खास होती है। ये दोनों तिथियां जल के महत्व को बताती है। 9 जून को गंगा दशहरा है और 10 जून को निर्जला एकादशी। आपको बता दें कि ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने की परंपरा है। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि और हस्त नक्षत्र में स्वर्ग लोक से गंगा नदी पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा का ये पर्व 10 दिनों तक चलता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से दसवीं तक ये पर्व मनाया जाता है। आपको बता दें कि राजा भागीरथी ने अपने पितरों के उद्धार के लिए कठोर तप किया था और देवी गंगा से पृथ्वी पर आने का वर मांगा था। गंगा के प्रबल वेग को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया था, जिसके बाद शिव जी ने जटाओं से 7 धाराओं में पृथ्वी पर गंगा को छोड़ा था। राजा भागीरथी के प्रयासों से आज तक गंगा सभी भक्तों के पाप धो रही हैं। हमें भी राजा भागीरथी की तरह जल को बचाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल प्राप्त हो सके। हमें जल का कभी भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। वहीं बात करें निर्जला एकादशी की, तो निर्जला एकादशी पर भक्त पूरे दिन निर्जल रहते हैं, यानी दिन भर अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। गर्मी के दिनों में पूरे दिन बिना पानी के रहने से हमें पानी की एक एक बूंद का मूल्य मालूम होता है। ये पर्व हमें यह संदेश देता है कि हमें पानी का अपव्यय कभी भी नहीं करना चाहिए और एक एक बूंद पानी बचाना चाहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए उपवास किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।